चलिए जब भी आप इसको कॉपी में करेंगे तो ध्यान पूर्वक करें बहुत अच्छे से करें क्योंकि आपको पता है कि आपको असेसमेंट के मार्क्स दिए जाएंगे और पहले केवल क्लास नाइन और टेन को असेसमेंट करवाया जा रहा था अब आपको पता होना चाहिए कि सिक्स टू एट को भी असेसमेंट करवाया जा रहा है दैट मीन इसके मार्क्स आपके काउंट होंगे तो बहुत केयरफुली करें इसको अवॉइड बिल्कुल ना करें ओके चलिए अब यहाँ पर डायरेक्शन दे रखा है कि आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं इन ईच ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन टू फाइव आपको क्वेश्चन नंबर एक से पांच तक कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं असर्शन एंड रीजन देखिए असर्शन एंड रीजन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये एक कैटेगरी है क्वेश्चन की ठीक है सभी सब्जेक्ट में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे असर्शन को ए बोला जाएगा रीजन को आर बोला जाएगा इसका मतलब सिंपल से समझिए दो स्टेटमेंट दी जाएगी ठीक है एक स्टेटमेंट ए होगी एक स्टेटमेंट आर होगी और आपको बताना होगा कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है और उसको आंसर कैसे चूज करना होगा वो यहाँ पे आपको समझाया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दोज क्वेश्चन फ्रॉम द ए बी सी डी गिवन बिलो डार्कन द सर्कल आपको सर्कल डार्क करना है और ऑप्शन ए बी सी डी चूज करना है कैसे चूज करेंगे आपके पास दो स्टेटमेंट है ए एंड आर एक असर्शन है एक रीज़न है अगर आपकी बोध असर्शन एंड रीजन आर ट्रू दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती हैं सही होती हैं एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन और जो आर है रीज़न है वो सही व्याख्या कर रहा है असर्शन का ठीक है जैसे असर्शन एक स्टेटमेंट है कि सारे बच्चे हैं और यहाँ पे ये सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो आप ए को चूज करोगे अगर आपका क्या है कि असर्शन एंड रीज़न दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है तो आप बी को चूज करोगे अगर आपका असर्शन इज़ ट्रू और रीज़न इज़ फॉल्स तो आप सी को चूज़ करोगे और अगर आपका असर्शन फॉल्स हो जाता है यानी कि जो ए दिया है वो गलत स्टेटमेंट है और रीज़न सही है तो आप डी चूज़ करोगे चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है क्लियरली आपको दिख रहा होगा असर्शन है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं सो so, आपको इंटीजर याद होना चाहिए इंटीज़र क्या होता है हमारे पास वन टू थ्री फोर ठीक है ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव इंटीज़र है इसी तरीके से हमारे पास नेगेटिव इंटीज़र होते हैं नेगेटिव इंटीज़र माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो ये बोल रहा है कि सभी इंटीज़र रैशनल नंबर होते हैं रैशनल नंबर आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ कि रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में एंड क्यू शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए तो आप बोलोगे मैम ये इंटीज़र है कि नहीं इंटीज़र रैशनल है या नहीं है है देखिए अगर आपके पास कोई नंबर है वन या टू तो ये हमारा रेशनल नंबर है आप टू के नीचे वन लगा दीजिए पी बाई क्यू की फॉर्म में बन गया मैंने थ्री लिखा है थ्री के नीचे वन लगा दो पी बाई क्यू की फॉर्म में बन गया माइनस थ्री है इसके नीचे वन लगा दो ठीक है तो हमारे जितने भी इंटीजर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं आपको नंबर लाइन याद करनी होगी ये होती है हमारी क्या नंबर लाइन नंबर लाइन पे यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं जीरो यहाँ पे आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ पे आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं ठीक है माइनस का वन माइनस का टू माइनस का थ्री इधर वन टू थ्री इंफिनिटी तक ओके okay, तो जब हमारे वन टू वन से वैल्यू स्टार्ट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं जब हमारे पॉजिटिव ये सारी वैल्यूज हम वन टू थ्री फोर लेते हैं तो पॉजिटिव इंटीज़र माइनस वन टू थ्री फोर नेगेटिव इंटीजर जीरो से वैल्यू लेते हैं तो होल नंबर तो जितने भी तरह के नंबर होते हैं वो सब नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर सकते हैं इसने हमसे बोला है कि रैशनल नंबर सारे इंटीज़र रैशनल नंबर होते हैं हंजी होते हैं इसके बाद एवरी इंटीज़र एम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एम बाई टी सो सो ये बोल रहा है यहाँ पे कि एवरी इंटीज़र कोई भी इंटीज़र एम को हम लिख सकते हैं एम बाई एम बाय वन की फॉर्म में तो सही बात है तभी तो ये सही रीज़न बता रहा है असर्शन सही है और इसका जो कारण बता रहा है वो भी सही बता रहा है क्यों मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा वन टू थ्री फोर तो ये सारे रैशनल नंबर है क्यों क्योंकि आप इन सभी के नीचे वन लगा सकते हो वन लगाने से वैल्यू की तो चेंज नहीं हुई इसी तरीके से माइनस वन माइनस टू इनके नीचे भी वन लगा दो वैल्यू तो चेंज हुई नहीं तो ये दोनों सही हैं तो इसके लिए आपका क्या करेक्ट होगा ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर वन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहे okay? को जब आप गुना करते हो तो रैशनल नंबर आता है करके देख लेते हैं रैशनल नंबर हमने ले लिया टू एक रैशनल नंबर दूसरा रैशनल नंबर ले लिया थ्री टू थ्री जो हमारे पास कितना आया सिक्स आया तो ये भी एक क्या है रैशनल नंबर है तो दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल नंबर होता है ये सही बात है तो ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है लेकिन ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ये किसकी बात कर रहा है कि ये दोनों इ रैशनल नंबर हैं तो इसका ये जो रीज़न है ना ये इसका रीज़न नहीं है ये अलग स्टेटमेंट है ये अलग स्टेटमेंट है, है बट दोनों सही हैं इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है बी हम क्यों बोल रहे हैं कि जब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो तो हम किसको चूज करते हैं बी को चूज करते हैं सो सेकेंड क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ओके चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री में बोल रहा है असर्शन टू प्लस रूट सिक्स इज एन इरेशनल नंबर ठीक है जी ये हमारा इरेशनल नंबर है सही बात है इसके बाद बोल रहा है सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इ रैशनल नंबर इज ऑलवेज एन इैशनल नंबर अगर हम जोड़ते हैं एडअप करते हैं एक रैशनल नंबर एक इैशनल नंबर को तो वो इ रैशनल नंबर बनता है ये भी सही बात है आप देख सकते हैं ये हमारा रैशनल नंबर है और रूट सिक्स हमारा इ रैशनल नंबर है और दोनों की सम करने पर हमारा कैसा नंबर बनता है इ रैशनल नंबर बनता है यानी थर्ड क्वेश्चन के लिए बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है दैट मीन ए इज़ द करेक्ट आंसर ओके आप साथ साथ में नोट करते चलिए क्योंकि एक्सप्लेनेशन समझना आपको बहुत जरूरी है एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर में बोल रहे हैं असर्शन रूट टू रूट थ्री आर कंप्लीट ऑफ इेशनल नंबर एग्जाम्पल्स ऑफ इेशनल नंबर ओके रूट टू रूट थ्री एग्जाम्पल है इ रैशनल नंबर के सही बात है रीजन बोल रहा है और रैशनल नंबर कैन भी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर क्यू पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू शुड नॉट इक्वल टू जीरो तो देखिये ये स्टेटमेंट सही है ये भी सही है बट ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ये बात कर रहा है इ रैशनल के बारे में और ये इैशनल नंबर की डेफिनेशन दे रहा है यानी दोनों एक इस दिशा में जा रहा है एक इस दिशा में जा रहा है दोनों सही बातें कर रहे हैं पर अलग अलग दिशा में जा रहे हैं एक ही की स्टेटमेंट को वो जस्टिफाई नहीं कर रहा ये रीजन इसका नहीं है ये किसी और का रीजन है ठीक है तो यहाँ पे हम ऐसे केस में क्या चुनते हैं तो फोर्थ के लिए आपका क्या हो जाएगा बी कि कि so, आपका क्या क्या हो हो जाएगा? हो जाएगा. Fifth में बोला है है है? है, सही बात है कि two हमारा क्या है? Rational number है. और बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करो तो इरेशनल आता है जरा आप करके देख लीजिए टू का अगर आप स्क्वायर करें तो क्या आएगा फोर थ्री का स्क्वायर करें क्या आएगा नाइन फोर का स्क्वायर करें क्या आएगा सिक्सटीन किसी भी पॉजिटिव हमारे पॉजिटिव वैल्यू का पॉजिटिव इंटीजर का आप स्क्वायर कर रहे हो तो क्या वो इरेशनल बन जा रहा है जी नहीं ये रैशनल है ये भी रैशनल ही बन रहा है ये भी रैशनल ही है तो इरेशनल तो बन ही नहीं रहा है तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है ये सही है तो ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स ऐसी केस में हम किस चुनेंगे सी को चुनेंगे ठीक है तो five का हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म डार्कन द सर्कल जो सही है उसको डार्क करिए ठीक है, है? यहां से आपका सेकंड अलग टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है यहां पे आपसे बोल रहा है टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू इस तरीके से है टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री तो देखिए ये कितने हैं दो रूट थ्री है प्लस एक और रूट थ्री तो कितना हो जाएगा थ्री रूट थ्री तो तीन रूट थ्री हो जाएंगे दो रूट थ्री प्लस एक और रूट थ्री तीन रूट थ्री तो थ्री रूट थ्री कहाँ पे है सी पे तो हमारा सिक्स का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है इसके बाद सेवन में बोला है द नंबर ऑफ टेन रेसनाइजिंग डिनोमिनेटर इस तरह के क्वेश्चन आपको इस वीक वर्कशीट में कराए गए थे इसे आपको रैशनलाइज करना है चलिए करके सॉल्व करते हैं उसके बिना आप आंसर नहीं बता सकते ये है माइनस टू तो इस तरीके से होता है तो आप क्या करते हो यहाँ पे अगर माइनस है तो हम प्लस लेंगे रूट सेवन प्लस टू अपॉन में रूट सेवन प्लस टू अब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वन से तो क्या आ जाएगा रूट सेवन प्लस टू और नीचे आ जाएगा रूट सेवन माइनस टू रूट सेवन प्लस टू तो यहाँ पे क्या लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी है ना ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो वही हम लगा देंगे जब वो हम लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा इसको हम लिखेंगे आगे का मैं सॉल्व कर रही हूँ रूट सेवन प्लस टू नीचे हमारा हो जाएगा रूट सेवन का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर तो यहाँ पे आगे आप लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट सेवन प्लस टू यहाँ पे रूट सेवन का स्क्वायर कितना हो जाएगा सेवन और टू टू जो कितना हो जाएगा फोर रूट को रूट से करते हो तो सेम नंबर आता है तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट सेवन प्लस टू अपॉन में सेवन माइनस फोर थ्री तो ये हमारा आंसर है रूट सेवन प्लस टू और अपॉन में थ्री तो ये आपका कहाँ पे है रूट सेवन प्लस टू अपॉन में थ्री ये आपका है ऑप्शन नंबर ए पे ठीक है सेवन का ऑप्शन नंबर ए पे तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर कि रूट सेवन प्लस टू ठीक है और अपॉन में आपका आएगा थ्री यहाँ पे देखिए फाइव दे रखा है यहाँ पे ऊपर माइनस का साइन लगा दिया इसलिए गलत है यहाँ फोर्टी फाइव दे रखा है तो ये तीनों आपके गलत हैं ए आपका सही है तो सेवन के लिए आपका ए हो जाएगा इसके बाद एट में बोल रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर नॉट बी नहीं हो सकता डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है ठीक है ये दोनों होता है हमारा रैशनल नंबर के लिए बट ये बोल रहा है कैन नॉट बी नहीं हो सकता तो देखिए ये दोनों तो होता है नहीं कौन सा होगा सी तो सही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर नाइन में बोल रहा है जीरो पॉइंट वन टू थ्री थ्री कैन बी रिक रिप्रजेंट इन फॉर्म ऑफ तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीके से जीरो पॉइंट वन टू थ्री 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 तो इसको आप कैसे लिख सकते हो इसको लिख सकते हो जीरो पॉइंट वन टू और थ्री का क्या है बार थ्री का बार तो अगर आपके पास इस तरीके का है तो आप इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखोगे जीरो पॉइंट वन टू थ्री का बार तो आप इसे कैसे सॉल्व करते हो आप मानते हो ना कि लेट एक्स बराबर ज़ीरो पॉइंट वन टू थ्री 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 ठीक है फिर इसको टेन से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आपकी कितनी डिजिट है वन टू थ्री तीन डिजिट है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे वन टू थ्री पॉइंट थ्री 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 ठीक है उसके बाद थाउजेंड एक्स माइनस एक्स तो यहाँ पे हमारे पास थाउजेंड एक्स माइनस टेन एक्स क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे ना कि यहाँ पे इक्वेशंस बनती हैं इसका जो कैलकुलेशन है इक्वेशन वन बनेगी इक्वेशन टू बनेगी तो मैं यहाँ पे हम शॉर्टकट तरीके से कर लेते हैं ठीक है जब आपका थ्री या टू मार्क्स में आता है तब आपको लॉन्ग मैथड करना होता है तो यहां पर देख लीजिए आपका क्या है जीरो तो आप इसको ऐसे लिख लोगे वन टू थ्री ठीक है माइनस यहाँ पे वन टू थ्री हमने लिख लिया माइनस यहाँ पे रिपीटिंग कौन सा नंबर नहीं है ट्वेल्व नहीं है तो ट्वेल्व अपॉन में नीचे हमारा क्या आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे तीन डिजिट है तो तीन डिजिट मतलब यहाँ पे आ जाएगा तीन डिजिट यानी कि नाइन मतलब एक बार थाउजेंड से माइनस करेंगे टेन को और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा दो वैल्यू जीरो जीरो तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला है ट्रिपल वन नाइन हंड्रेड और ट्रिपल वन अपॉन में नाइन हंड्रेड दैट मीन इसके लिए कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है अगर हम चाहें तो इसे लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि पहले हम एक्स इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट वन टू थ्री 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 रखेंगे इसके बाद फिर हम टेन एक्स इक्वल टू वन पॉइंट टू थ्री 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 रखेंगे फिर इसके बाद हम हंड्रेड एक्स इक्वल टू वन टू पॉइंट थ्री 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 रखेंगे और इसके बाद वन टू थ्री थाउजेंड एक्स इक्वल टू वन टू थ्री पॉइंट थ्री थ्री ठीक है ये रखेंगे फिर हमें माइनस किस में से करना होगा हमारा किस पे बार है एक नंबर पे बार है तो हमें फोर्थ ये इक्वेशन नंबर फोर हो गई ये थ्री हो गई ये टू हो गई ये वन हो गई तो इक्वेशन फोर में से जब थ्री माइनस करेंगे थाउजेंड एक्स में से हंड्रेड जाएगा तो नौ सौ बचेगा और इसमें से आप ये माइनस करोगे तो ट्रिपल वन तो इस तरीके से आपका इस इक्वेशन में से इक्वेशन फोर में से थ्री माइनस करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा ठीक है ये आपका लॉन्ग मेथड है इसके बाद आपको बोल रखा है कि टू प्लस रूट थ्री थ्री रूट थ्री माइनस फाइव इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा सो so यहाँ पे आप लोग देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे आपको रफ वर्क दिया हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं आपको दे रखा है टू प्लस रूट थ्री इसके बाद दे रखा है थ्री रूट थ्री माइनस फाइव तो आपको क्या करना है एक बार इस नंबर को लेना है और इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है तो टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू थ्री टू थ्री जा सिक्स रूट थ्री इसके बाद टू को फाइव से करेंगे तो आ जाएगा माइनस टेन फिर रूट थ्री इंटू थ्री रूट थ्री को करेंगे तो आएगा रूट थ्री रूट थ्री आपका थ्री बन जाएगा और थ्री इंटू थ्री नाइन इसके बाद माइनस का साइन और फाइव यहाँ पे रूट थ्री है तो फाइव रूट थ्री फाइव रूट तो यहाँ पे देखो छह रूट थ्री है यहाँ पे पांच रूट थ्री है तो एक रूट थ्री बचेगा और दस में से नौ चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस वन तो रूट थ्री माइनस वन सो यहाँ पे रूट थ्री माइनस वन दैट मीन ए इज द आंसर सो क्वेश्चन नंबर टेन के लिए आपका क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा तो so, ये थी आपकी सिंपल सी असेसमेंट वर्कशीट आई होप आपको समझ में आ गई हो लाइक like करिए फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं सारे अपडेट सबसे पहले साथ में एनसीआरटी सॉल्यूशन And worksheet many more things.